मॉर्निंग एवरीवन, मैं संदीप सिंह आज फिर एक बार आपके सामने मैं अपने ट्रिकी मैथमेटिक्स बाय संदीप सिंह पे आप सबका स्वागत करता हूँ। एक दोहे के साथ, दोहा मतलब एक पंक्ति उसके साथ शुरुआत करता हूँ। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चाहत पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। तो मतलब कहने के आज है कि बचपन बड़ा अच्छा होता है, बीत गया ठीक है, बीत गया कोई बात नहीं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं, शुरुआत नहीं मतलब चल ही रहा है, मैं इंटरफेरेंस 3 या 4 लेक्चर दे चुका हूँ। आज इंटरफेरेंस में ही फॉर द बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इंटरफेरेंस बाई थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ओके, आप लोग देख रहे हैं यहाँ फिगर बना हुआ है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, जानिए। और प्लीज़ इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने खाली टाइम में यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। ओके, तो मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म क्या होता है। फिल्म ये कोई फिल्म देखने वाली फिल्म नहीं है। फिल्म यहाँ पर कहने का ऐसा है कि टीचर एक ऑप्टिकल मीडियम है, हम बात करते हैं फिल्म क्या है, एक ऑप्टिकल मीडियम है जिसकी थिकनेस 1 वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन, लाइट 1 वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विजिबल रीजन, ऐसा ऑप्टिकल मीडियम जिसकी जो थिकनेस होती है वह 1 वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन में जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्म, थिन फिल्म। और जब भी फिल्म की थिकनेस 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक हो उसी को हम क्या कहते हैं, थिन फिल्म। ठीक है, डेरिवेशन आता है एग्जाम में कि इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन, आप कर लेंगे, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट, क्या होती है चीज इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाला समय कंपटीशन के अगर आपको जैम या IIT जैम वो देना है तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ओके, तो मैंने इंटरफेरेंस के बारे में बता ही चुका हूँ, थिन फिल्म के बारे में हो गया, रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए, थिन फिल्म में एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे आपने सो बबल या एयर फिल्म बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट ग्लास या माइका या ट्रांसपेरेंट शीट, कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने यहाँ देखो लिखिए एयर फिल्म बिटवीन टू ग्लासेस, मैंने ट्रांसपेरेंट शीट लिया है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं फिल्म थिन फिल्म के रूप में, तो वही आपको निकालना था इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन, तब उसी को फॉरवर्ड करते हैं। ओके, आप लोग ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले देखिए हमें क्या इसमें निकालना है, हमें इसमें आपका एक फिगर बना हुआ है, मैं बता देता हूँ क्या कौन चीजें हैं। ये इंसिडेंट रे आपका यहाँ आ रहा है, इसमें क्या होता है थिन फिल्म में, व्हेन द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द शीट, देन इट द स्मॉल पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बट मेजर पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इन टू द फिल्म। इस चीज को ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, व्हेन द इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस देन स्मॉल पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड मेजर पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इन टू द फिल्म। ठीक, तो हम क्या देखते हैं इसमें कि ये प्रोसेस बार बार चलता है, मैं तो यहाँ दो ही लिया हूँ, ये प्रोसेस ऐसे फिर होगा, फिर ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, मतलब एक सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता रहता है ट्रांसपेरेंट शीट के बीच में। ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो आपका इंसिडेंट रे है इट इज डिवाइडेड इनटू रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है आपकी, और ये रिफ्रैक्टेड रे, कहने क्या है कि इंसिडेंट रे जो आपका है वो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे में डिवाइड होगा, और जो कि अलग अलग पाथ में दोनों रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड ट्रेवल करेंगे और आगे जाके ये लोग ये दोनों रे इंटरफेरेंस पैटर्न का निर्माण करेंगे, ये अलग इंटरफेरेंस बनाएगा, ये अलग इंटरफेरेंस बनाएगा, इसीलिए हम लोग द इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, द इंटरफेरेंस ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जिसमें आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी और इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड से रिलेशन आप लोग जानते ही हैं, तो अगर इंटेंसिटी का डिवाइडेशन हो रहा है तो एम्पलीट्यूड का जाहिर सी बात है कि एम्पलीट्यूड का डिवीजन होगा, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं द इंटरफेरेंस ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब हम डेरिवेशन पोर्शन जो एग्जाम में आता है उसको हम फॉरवर्ड करते हैं, और एक चीज जान लीजिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, तो मैं डेरिवेशन को आगे करता हूँ। देखिए, हमें पार्ट डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस
आप जानते हैं हमें निकालना है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट रे एंड सेकंड रे, मतलब जो दो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसके बीच हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, पाथ डिफरेंस निकालता हूँ, डेल बराबर क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस डेल प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये आपकी सेम, यहाँ से देखिए के से, ये मैंने देखिए ये इंसिडेंट रे हो गया, मैंने यहाँ के से सी परपेंडिकुलर खींचा है, ये जो ए जा रही है आपको एम एन मान लीजिए, ए एम पे मैंने सी के परपेंडिकुलर डाला है ठीक। तो आप देखिए हम इसमें पार्ट डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्ट डिफरेंस बिटवीन रे फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस ए के। तो देखेंगे यहाँ से आपका सेम डिस्टेंस है यहाँ से, तो हमें पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, ए बी प्लस ए सी का क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस ए के निकाल देंगे तो हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी, ये देखिए ए बी प्लस बी सी माइनस ए के, जिसको ब्रैकेट कर दें माइनस ए के। तो आप देखेंगे जब माइनस कर देंगे तो यहाँ से दोनों रे एक मतलब कि एक एक सही स्थान से मतलब एक समान डिस्टेंस से ट्रेवल आगे करेंगी ठीक। अब देखिए ये तो आपका ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है ये ए बी से होते हुए बी सी की तरफ जा रही है, फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, ये ऑप्टिकल मीडियम है। और इसके लिए हम ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस का जो फार्मूला होता है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है न्यू इनटू पाथ लेंथ ठीक। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस और ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस दो डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं। जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस होता है न्यू इनटू पाथ लेंथ, और हम देखते हैं जो एयर में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल बराबर न्यू इन ए बी प्लस बी सी माइनस 1 इंटू ए के करेंगे, क्योंकि ए के एयर में है तो 1 इंटू ए के करेंगे तो वही रहेगा, इसलिए हम वहाँ ए के लिखे हैं। तो ये आपका आगे ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस न्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए के, हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन एट लास्ट निकालना है। तो हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बता दें, आप देख रहे हैं डेरिवेशन को रटीना आप समझिए, देखिए हमें यहाँ दिया है ए बी, तो हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी हम यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, आप देख रहे हैं ए बी एल ट्राइंगल अगर हम ले लें तो इसमें हमें ए बी फाइंड, आप यहाँ से देखिए कि हमें आगे करना क्या है, यहाँ ए बी लिखा हुआ है, यहाँ बी सी ए के, तो हमें ए बी बी सी और ए को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी एल, सबसे पहले ट्राइंगल मैंने क्या लिया, ट्राइंगल ए बी एल, आप ट्राइंगल ए बी एल देखिए, हमें कास हम कास आर निकालते हैं, कास आर क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें ए बी चाहिए, ए बी चाहिए और हमें टी बी एल की जगह टी मालूम है, तो इसके साथ साथ हम कास आर निकालेंगे ज्यादा सुटेबल होगा। तो कास आर पर क्या हो जाएगा आपका बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो आपका हो जाएगा कितना बी एल अपान ए बी, तो आपका बी एल क्या है टी अपान ए बी है ठीक। तो यहां से हम ए बी निकालेंगे कितना आ जाएगा, ए बी बराबर टी बाई कास आर, ये आपका क्या आ गया ए बी। और आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी एल और ट्राइंगल सी बी एल ये दोनों कांग्रुएंस है ठीक, अगर देखिए क्योंकि एंगुलर एक कॉमन है, यहाँ एंगुलर बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों ट्राइंगल ए बी एल और ट्राइंगल सी बी एल ये कांग्रुएंस है, इसकी वजह से ए बी बराबर बाई सी पी सी टी, आप लोग जानते हैं कांग्रुएंस पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल, आप लोग टेंथ में पढ़े होंगे, बाई सी पी सी टी से ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, तो बी सी की वैल्यू भी यही होगी, तो ए बी प्लस बी सी हमें मालूम हो गया, ए बी प्लस बी सी कितना है टी बाई कास आर, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं किसके लिए, अब हम ए के लिए बात करते हैं, आप लोग ये नोट कर लीजिए ए बी बराबर बी सी टी बाई कास आर, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा ज्यादा स्पेस है नहीं, इसलिए मैं इसको रब करूंगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर सकते हैं हम, या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो ए बी बराबर बी सी बाई टी बाई कास आर, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी आगे, ए बी बराबर बी सी बराबर टी बाई कास आर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब मैं इसको रब करता हूँ, देखिए यार नया डस्टर आया है, पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, आप लोग ज्यादा ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है।
आप लोग के लिए पैसे खर्च करना उतना, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। देखिए लाइक और सब्सक्राइब करने की वजह से कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा बनता है। मेरा फिजिक्स शास्त्र मैं कई बार कर चुका हूँ, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कोई मतलब नहीं, पैसों से कमाने का उद्देश्य नहीं है अभी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो वीडियो को शेयर करें, इससे कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ेगा। देखिए हमारा क्या आ गया, ए बी और बी सी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हाँ मैंने क्या लिखा था, पार्ट डिफरेंस न्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए के, ये हमारा पार्ट डिफरेंस था। अब हमें क्या निकालना है, ए के फाइंड करना है। आप ही सोचिए, हमें ए के फाइंड करना है, तो ए के फाइंड अगर हम यहाँ देखिए, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल रहे हैं तो ये भी आई होगा, ठीक। आप सोचिए अगर हमें ए के फाइंड करना है, हम यहाँ से अगर साइन आई लगाएं तो ए के बाई ए सी हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमें ए सी नहीं मालूम है, तो ए सी को मालूम करने के लिए हमें इस ट्रायंगल को करना पड़ेगा, और ए सी का जो हाफ है वो ए एल है। ये देखिए ए एल मैंने प्रदर्शित किया, ये पॉइंट को हमने ए एल नाम दिया, ठीक। आप इसको ध्यान दीजिएगा, तो ए सी को हमें देखिए रटिए मत, आप समझिए ए के फाइंड करना है। यहाँ से हम ए के फाइंड कर सकते हैं, साइन आई बराबर ए के अपान ए सी। देखिए हमें ए सी मालूम नहीं है, तो ए सी को फाइंड करने के लिए हमें ए एल फाइंड करना पड़ेगा। तो ए एल आपका इस ट्रायंगल में आएगा, देखिए कैसे, इन ट्रायंगल ए बी एल, इन ट्रायंगल ए बी एल हमें, हम यहाँ यूज करते हैं टेन आर, क्योंकि हमें ए एल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए एल। तो टेन आर बराबर होता है ए एल अपान बी एल, ये आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक। तो हमें ए एल फाइंड करना है, तो ए एल बराबर बी एल इंटू टेन आर, और बी एल की वैल्यू कितनी है, टी टेन आर। तो आपका ए एल कितना आ गया, टी टेन आर, तो ये आपकी वैल्यू आ गई टी टेन आर। लेकिन हम देख रहे हैं ए सी बराबर क्या है, टू ए एल है, तो हमारा ए सी कितना आ जाएगा, ए सी बराबर टू टी टेन आर, ये हमें मालूम हो गया। अब हम ट्रायंगल ए के सी हम लगाते हैं, क्या, इन ट्रायंगल ए के सी हम क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ए के सी में साइन आई बराबर ए के अपान ए सी, साइन आई बराबर ए के अपान ए सी। तो हमें ए के क्या फाइंड करना है, ए के, तो ए के बराबर क्या आ जाएगा। देखिए आप लोग समझने की कोशिश, अगर कोई समस्या हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसको मेंट करने की मतलब मैं उसको मेंट करूँगा, ठीक है। तो ए के बराबर क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ से ए सी साइन आई, ए सी बराबर क्या है आपका, अभी ए सी आपने फाइंड किया, ए सी बराबर टू टी टेन आर। तो ए सी का सब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, टू टी टेन आर साइन आई, ए सी बराबर मेरा ये क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई। देखिए हम हमें सब वैल्यू मालूम हो गया, मैंने अभी देखिए ए बी बराबर ए बी निकालिए, बी सी निकालिए टी बाई का साथ, मैं ए बी और बी सी रख दूंगा, और ए की वैल्यू की देंगे टू टी टेन आर साइन आई। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए के बराबर, क्योंकि मैं इसको फिल अप करना पड़ेगा अभी, यही वैल्यू का हम लोग पार्ट डिफरेंस में पुट करेंगे, तो मैं इसलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ ए के बराबर कितना आया है, टू टी टेन आर साइन आई, ठीक। अब मैं इसको रख करता हूँ, इसके बाद दोनों की वैल्यू जो आई है उसको हम लोग पुट करेंगे इसमें, जो आपका ये पार्ट डिफरेंस लिखा हुआ है न्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए के, इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पार्ट डिफरेंस आंसर क्या मतलब, आप जो चाहते हैं पार्ट डिफरेंस निकालना चाहते हो आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस डेल न्यू ए बी प्लस बी सी करेंगे कितना आ जाएगा, ए बी बराबर बी सी टी बाई का सर, तो ए बी प्लस बी सी टू टी बाई का सर, और यहाँ न्यू है तो टू न्यू टी बाई कास आर, ठीक। और माइनस क्या है, ए के कितना है आपका, टू टी टेन आर साइन आई, टी ए ध्यान दीजिएगा, ओके, ये टी टेन वाला टेन का टी है, ये टी अलग से है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू टी टेन आर साइन आई। अब देखिए आप जानते हैं बाई स्नेस ला न्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, न्यू बराबर होता है साइन आई बाई
साइन आर, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर स्पेस कम हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, न्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। आप लोग ब्रैकेट को उसके आगे लिख लिया करिए, क्योंकि इससे नंबर अच्छा मिलता है, इफेक्टिव पड़ता है कि हाँ बच्चों को पता है, बच्चा रखता नहीं है। तो न्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, हम यहाँ से साइन आई फाइंड कर लेते हैं, साइन आई बराबर कितना आ जाएगा, न्यू साइन आर, अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं साइन आई के स्थान पर। यहाँ देखिए डेल बराबर टू न्यू टी बाई कास आर अपान टू टी टैन आर, क्या ले सकते हैं साइन आर बाई कास आर, क्यों, और साइन आई के स्थान पर क्या लिखेंगे, न्यू साइन आर, न्यू साइन आर। अब आगे करता हूँ इसको, देखिए डेल बराबर टू न्यू टी बाई कास आर माइनस, अब देखिए न्यू इधर ले देता हूँ, टू न्यू टी बराबर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आर, साइन आर साइन आर साइन स्क्वायर आर अपान कास आर, ठीक। अब देखिए हम यहाँ से आगे क्या करते हैं, टू न्यू टी बाई कास आर हम कामा ले लेते हैं, क्या आ जाएगा टू न्यू टी बाई कास आर को हम कामा ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर आर, ठीक। तो आप देख रहे हैं डेल बराबर टू न्यू टी बाई कास आर वन माइनस साइन स्क्वायर आर, और क्या होता है कास स्क्वायर आर, तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ कास स्क्वायर आर। अब आप देखिए कास आर है कास स्क्वायर आर है, तो ये कर जाएगा ये यहाँ से कर जाएगा, तो डेल बराबर क्या आ जाएगा आपका, डेल बराबर मतलब पार्ट डिफरेंस बराबर आ जाएगा टू न्यू टी कास आर, ये आपका आ गया पार्ट डिफरेंस जो हम चाहते हैं। मेरे हिसाब से मैंने अपने पूरा बेस्ट देने की कोशिश किया, आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन को फाइंड करेंगे, तो डे बराबर टू न्यू टी कास आएगा, हम इसको रद्द करते हैं। अब हम मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन को फाइंड करेंगे आगे, देखिए तो फॉर द मैक्सिमम कंडीशन क्या होता है, फॉर मैक्सिमम हम लोग जानते हैं, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन, तो फॉर मैक्सिमम डेल बराबर क्या होता है एल लैम्डा, तो मैं टू से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो डेल बराबर क्या आया है टू न्यू टी कास आर, डेल पार्ट डिफरेंस से ध्यान दीजिएगा टू न्यू टी कास आर टू एल लैम्डा बाई टू। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया आप लोग को, देखिए मैक्सिमम निकालने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, बाई एक स्टोक्स थ्योरम में उन्होंने क्या, स्टोक्स थ्योरम क्या बताता है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम देन देयर इज ए फेज चेंज ऑफ पाई एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, तो फेज चेंज ऑफ पाई जब होता है तो जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है वो लैम्डा बाई टू क्रिएट होता है, तो इसलिए हम लोग टू न्यू टी कास आर प्लस लैम्डा बाई टू लिख देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी आपका रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम के थ्रू हो तो फेज चेंज ऑफ पाई, यहाँ आपका फेज चेंज ऑफ पाई बनता है, और अगर आप पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो लैम्डा बाई टू होता है, इसके कारण हमारा पार्ट डिफरेंस में प्लस लैम्डा बाई टू ऐड हो जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे टू न्यू टी प्लस नेट पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा टू न्यू टी कास आर प्लस लैम्डा बाई टू, और ये क्या है टू एन लैम्डा बाई टू, तो यहाँ से टू न्यू टी कास आर बराबर क्या आ जाएगा टू एन लैम्डा बाई टू माइनस लैम्डा बाई टू करेंगे यहाँ आ जाएगा टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, ये आपका क्या आ गया मैक्सिमा का कंडीशन ओके। मैं इसको आप करता हूँ, मैं मिनिमम कंडीशन, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं मिनिमम कंडीशन निकाल देता हूँ आगे। अब हम बात करते हैं मिनिमम की कंडीशन, फॉर मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम आप लोग समझ रहे हैं ना, ब्राइट फ्रिज और डार्क फ्रिज, ठीक वही जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया वही चीज़ें हैं। अगर आपको कम समय आए तो आप मेरे पहले वीडियो को बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर देखिएगा। तो फॉर मिनिमम के लिए क्या है, डेल बराबर आपके क्या हो जाएगा टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, और डिफरेंस होता है मिनिमम कंडीशन के लिए डेल बराबर क्या है टू न्यू टी कास आर प्लस लैम्डा बाई टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, जब उसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे हमारा क्या आ जाएगा टू न्यू टी कास आर बराबर एल लैम्डा, इट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम। तो ये आपका हो गया इंटरफेरेंस बाई थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये आपका ड्यूरेशन हो गया। मैं अगली वीडियो में फिर से आऊँगा एक नया टॉपिक लेकर इंटरफेरेंस को आगे फॉरवर्ड करूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।